अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली और किरमाडा के पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बाबा गुल्ली बुल्ली सॉन को कराटे की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उन लोगों की कराटे की ट्रेनिंग आज पूरी हो जाती है। फिर गुल्ली पूछता है, बाबा आखिरकार आप हमें क्यों कराटे सिखा रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाबा किरमाडा के बारे में बताते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि अब तुम लोग तैयार हो चुके हो किरमाडा से लड़ने के लिए, अब इस दुनिया की कोई भी काली शक्ति तुम लोगों को हरा नहीं सकती है और अब हम चलने वाले हैं किरमाडा के गांव, क्योंकि किरमाडा को हमें आज रात को ही हराना होगा, क्योंकि अगर हमने थोड़ी सी और देर की तो कल हो जाएगी अमावस्या की रात और कल वो धूम रस की शक्ति को हासिल कर लेगा, फिर उसके बाद हम उसे कभी भी नहीं हरा पाएंगे। फिर गुल्ली बुल्ली और सॉन बाबा के पोर्टल के जरिए से किरमाडा के गांव पहुंच जाते हैं। फिर बाबा और किरमाडा के बीच में जंग छिड़ जाती है, जिसमें कि सबसे पहले बाबा अपने गोले से हमला करते हैं, जिसे किरमाडा अपने शील्ड से बच जाता है। फिर किरमाडा बाबा पर हमला कर देता है और बाबा अपने शील्ड के जरिए से किरमाडा के हमले से बच जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि किरमाडा की शक्तियाँ काफी ही शक्तिशाली हैं। फिर बाबा को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो बोलते हैं, रॉड गुल्ली बुल्ली और सॉन तुम लोग इसे अपनी बातों में उलझाए रखो, मैं तुरंत आता हूँ। और बाबा वहाँ से अपने गुरु के पास चले जाते हैं और उनके गुरुदेव बता देते हैं कि किरमाडा सिर्फ रुद्रपाण से ही मरेगा और बाबा अब आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर रॉड कहता है, बाबा आप आखिरकार कहाँ चले गए थे, कुछ बता के तो जाते, इसका क्या करना है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अब आप आ गए तो मैं अब बेफिकर हो गया, अब आप इसे बताओ कि आप कौन हो। फिर बाबा रॉड की बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, रॉड मेरे बच्चे अब तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बस इसकी कमजोरी का पता लगाने गया था कि इसकी क्या कमजोरी है और ये किससे हार सकता है, जो कि मुझे पता लग चुका है, तो अब ये मेरे जादुई वार से बच नहीं सकता है और मेरा जादुई वार इतना खतरनाक होने वाला है कि तुम लोग थोड़ी थोड़ी दूर पीछे हट जाओ, क्योंकि या तो अब ये बचेगा या फिर मैं बचूंगा। फिर गुल्ली बोलता है, बाबा मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि आप इससे कभी भी हार नहीं सकते हैं, तो इसे आप कैसे भी मार दो, जो कि हम देखना चाहते हैं, क्योंकि इसने अब हमें बहुत ही ज्यादा तंग कर दिया है। इन लोगों की बातें सुनकर किरमाडा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे अरे बच्चों, तुम लोगों की बातें सुनकर हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो चुका है कि तुम बच्चे मिलकर मुझे हराओगे, और ये बाबा क्या बोल रहा है, अभी कुछ देर पहले ही तो ये तुम लोगों को छोड़ के यहाँ से भाग गया था और अब ये फिर आ गया है, तो अब इसे फिर मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरी काली शक्तियाँ क्या कर सकती है। फिर बाबा कहते हैं, तो चलो शुरू करते हैं किरमाडा, जो जीता वही सिकंदर होगा और उसकी ही शक्तियाँ इस दुनिया पर राज करेंगी, तो चलो शुरू करते हैं किरमाडा। फिर किरमाडा बाबा पर जादुई हमला करता है, जिसे बाबा एक जादुई दीवार बनाकर रोक देते हैं और बाबा हंसने लगते हैं, बस किरमाडा मेरी ताकत भी तुम में, अब मैं तुम्हें बताता हूँ और देखो अब मैं कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल करता हूँ। और बाबा उस पे रुद्रपाण की शक्ति का हमला कर देते हैं, जिसके हमले से किरमाडा बच नहीं पाता है और काफी दूर जाके गिरता है, और वहाँ गिरते ही किरमाडा को समझ में आ जाता है कि बाबा की शक्तियाँ क्या हैं। फिर किरमाडा कहता है, बाबा मुझे पता लग चुका है कि आपको मेरी कमजोरियों का पता लग गया है, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे अब और तुमसे नहीं लड़ना है। फिर बाबा कहते हैं, नहीं नहीं किरमाडा, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आज तुम्हें जाने दूंगा तो कल तुम फिर आओगे और फिर इस दुनिया पर राज करने की कोशिश करोगे, तो इतनी आसानी से तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। फिर बाबा उसे एक कील में कैद कर देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम इसमें कैद हो चुके हो हमेशा हमेशा के लिए, अब तुम इससे कहीं भी नहीं जा सकते हो, और बाबा सील को और किरमाडा को वहाँ से गायब कर देते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली सॉन और रॉड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। रॉड कहता है, बाबा मान गए आपको कि आपकी शक्तियाँ किसी से भी कम नहीं है, और बाबा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बच्चों मेरे होते हुए तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है,
तुम लोगों को इस दुनिया की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। तो देखा आपने कैसे बाबा की शक्तियाँ किरमाडा की शक्तियों पर भारी पड़ गईं और किरमाडा को बाबा ने धूल चटा दिया। तो कैसी लगी ये आपको स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले क्योंकि उससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सकती है। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे एक और डरावनी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।